आप देख सकते हैं क्या स्थिति है मुंगेर का, अभी देख सकते हैं गली में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो चलिए अभी चलते हैं सोजी घाट के लिए। देख सकते हैं ये है डॉल्फिन पार्क जो कि पूरी तरह से डूबा हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है इस पार्क में। पानी में मस्ती कर रहे हैं और देख सकते हैं कितना ज़्यादा लहर उठ रहा है पानी का। आप देख सकते हैं गेट के पास कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जल स्तर बढ़ते ही जा रहा है। कितना ज़्यादा पानी पूरा जलमग्न हो गया है मुंगेर। हेलो फ्रेंड, मैं लखन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन बाइकर पे। और हम हैं अभी मुंगेर में। आप देख सकते हैं कि मुंगेर का स्थिति, गंगा नदी अभी पूरा उफान पे है और देख सकते हैं पूरा शहर में पानी घुस चुका है। लोगों को पानी में घुस कर अपने घर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है मुंगेर का अभी। अभी यहाँ से निकलेंगे हम सोजी घाट के लिए, आपको दिखाएंगे कि घाट पर का अभी क्या सीन है, कितना ज़्यादा पानी अभी भरा हुआ है गंगा नदी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी नीचे उतरे हैं और देख सकते हैं गली में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो चलिए अभी चलते हैं सोजी घाट के लिए। आप ये जो रोड के किनारे अभी देख रहे हैं, गंगा नदी में जिनका भी घर अभी डूबा हुआ है तो वो सभी अपना मतलब पशु को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं रहने के लिए। आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ कितना ज़्यादा संख्या में लोग अभी रह रहे हैं जिनका के घर पानी में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है बाढ़ का। तो फाइनली आप देखिए हम आ चुके हैं सोजी घाट और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर गंगा नदी को देखने के लिए आए हुए हैं और नीचे कुछ पूजा भी हो रहा है लगता है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं गंगा नदी में। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ये देख सकते हैं ये है डॉल्फिन पार्क जो कि पूरी तरह से डूबा हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है इस पार्क में। और ये देख सकते हैं ये टिकट घर है, टिकट घर भी पूरी तरह से डूबा हुआ है और ये जो रास्ता है यहाँ तक का आने का वो पूरा जलमग्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव जयंती महोत्सव लगा हुआ है, उनके महोत्सव का हर तरह का बैनर यहाँ पे लगा हुआ है। जैसा कि अभी आपने देखा सोजी घाट में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे कष्टहरणी घाट के लिए और आपको दिखाएंगे कि कष्टहरणी घाट का भी क्या सीन है वहाँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं कष्टहरणी घाट और आप देख सकते हैं जब हम पिछली बार आए थे तो ये गेट के बहुत नीचे तक गए थे और अभी देख सकते हैं ये गेट बंद कर दिया गया है और अभी जो पानी गंगा नदी का आ रहा है वो देख सकते हैं गेट पार कर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पानी में मस्ती कर रहे हैं और देख सकते हैं कितना ज़्यादा लहर उठ रहा है पानी का। आप देख सकते हैं गेट के पास कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर जगन्नाथ मंदिर पूरा डूबा हुआ है। देख सकते हैं गंगा नदी का पानी जगन्नाथ मंदिर के अंदर घुटना तक भर चुका है और संध्या आरती के लिए आप देख सकते हैं पूरा पानी में घुस कर जाना पड़ रहा है मंदिर के अंदर। लगातार गंगा नदी का जल स्तर बढ़ते ही जा रहा है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी पूरा जलमग्न हो गया है मुंगेर। तो फाइनली आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।